हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से पीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नदियों और उसके किनारे स्थित शहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज आपको बता दें कि कई एग्जामों में जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस इत्यादि, इन सभी एग्जामों में भारत के नदियों से क्वेश्चन बनता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग को याद नहीं होने की वजह से उन सभी क्वेश्चनों को नहीं बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के बाद हम आपको एक सही अंदाज और सही तरीका के साथ बताने वाले हैं, जिसको आप सही ढंग से और ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो शायद एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम चलते हैं अपने पॉइंट टॉपिक पे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कई ऐसा नदी है जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है। उसमें से एक नदी है भारत की गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी आप लोग जानते हैं। दोस्तों, गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी का जो पानी होता है आखिर शुद्ध क्यों माना जाता है, उसकी पानी खराब होती है तो क्यों नहीं होती है, चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला है कि गंगा नदी का उद्गम होता कहाँ से। दोस्तों, गंगा नदी का ओरिजिन यह गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और वहाँ से ओरिजिन होने के बाद भारत में उत्तराखंड से होते हुए या बांग्लादेश से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई देखा जाए तो भारत में टोटल 2525 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और गंगा नदी का जो पानी होता है वह खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु रहता है जो अन्य जीवाणु को मारने का काम करता है। इसी वजह से गंगा नदी के पानी कभी खराब नहीं होता है। और तो और, गंगा नदी को भारत का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसके एक सिंपल तरीका है, गंगा नदी किनारे उपस्थित नगर या शहर, इसका दोस्तों एक सही तरीका है याद करने का। जैसे का बाप, एक ट्रिक है, का बाप हवाई बैग से भागा, का बाप हवाई बैग से भागा। दोस्तों, का मतलब होता है कानपुर, उसके बाद बा का मतलब होता है बक्सर, प का मतलब होता है दोस्तों पटना, उसके बाद नेक्स्ट बाप हवाई बैग से भाग रहा है, हवाई का मतलब हो गया हरिद्वार, वा का मतलब वाराणसी, बेग का मतलब हो गया दोस्तों बेगूसराय, भा का मतलब हो गया भागलपुर और स का मतलब हो गया साहिबगंज। ये नगर भारत के प्रमुख नदी गंगा नदी किनारे उपस्थित नगरे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट नया नदी है यमुना नदी। दोस्तों, आपको बता दें कि यमुना नदी यह भारत की गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी माना जाता है। और तो और, यमुना नदी यह समानांतर होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब गंगा नदी के समानांतर बहने वाली नदी यमुना नदी है। और इस यमुना नदी का उद्गम यमुनात्री ग्लेशियर से होता है। ओके दोस्तों, यमुना नदी की लंबाई देखा जाए दोस्तों तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी अगर देखा जाए तो यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। और इसके किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है उसको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एक सिंपल तरीका है कि यमुना नदी किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है, तो इसको आप याद कर लेंगे एक सिंपल तरीका। जैसे हम बोलते हैं आदमी, यमुना एक आदमी है। ठीक है दोस्तों, यमुना क्या है, यमुना एक आदमी है। आमदी या आदमी, आमदी बोलिए, यमुना क्या है, एक आमदी है। ओके दोस्तों, आ का मतलब हो गया आगरा, म का मतलब हो गया मथुरा, आदि का मतलब हो गया दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आज इस वीडियो में दो नदियों कवर किए हैं। इसके बाद और भी हम वीडियो लेकर आएंगे जो और अन्य नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप इससे बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।